तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा है, जहाँ पर नित्य रामचित मानस का पारायण का संकल्प लेके कल्पवासी संत महात्मा विद्वान रहते हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने कहा है बिहार के कि रामायण को जला दिया जाए जो गरीबों में नफरत छुआछूत की बात पैदा करता है, निश्चित रूप से उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान राम की जीवन चरित्र को दर्शाया गया है। कोलभील से लेकर के गीत तक को भगवान ने अपने हृदय से लगाया है। सेवेरी के यहाँ जाके भगवान ने निवास किया है, भोजन ग्रहण किया है और केवट के साथ भगवान ने मित्रता की है। हमें लगता है रामचरितमानस जैसा समाज को एक करने वाला और कोई ग्रंथ नहीं है। जिस तरीके की टिप्पणी उन्होंने किया है, हम सरकार से कहते हैं उनको बर्खास्त करना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए। ऐसी भाषा बोल करके देश के करोड़ों आस्थावान लोगों का अपमान करने का जो तरीका नेताओं का बनता जा रहा है, यह बहुत ही लज्जास्पद है। पूरा समाज, पूरा देश इसकी निंदा करता है। व्यक्तिगत रूप से मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार के खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए, क्योंकि यह हम सबकी आस्था, श्रद्धा और विश्वास का विषय है। समाज को बांटने के लिए, समाज को तोड़ने के लिए, समाज को अलग करने के लिए और जातीय जहर फैलाने का जो दोष शिक्षा मंत्री ने किया है, वो कहीं उसके लिए वो दोषी हैं। उन्होंने हर जाति, हर वर्ग के लोगों की भावनाओं को हताहत किया है। राम को मानने वाले केवट भी हैं, भिलनी भी हैं, कोलभील भी हैं, सवर्ण भी हैं, हर जाति के लोग हैं। उन्होंने राम भक्तों का अपमान किया है, राष्ट्रभक्तों का अपमान किया, जो कतई बर्दाश्त किया नहीं जा सकता है। हम सब इसकी निंदा करते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं। तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा है, जहाँ पर नित्य रामचित मानस का पारायण का संकल्प लेके कल्पवासी संत महात्मा विद्वान रहते हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने कहा है बिहार के कि रामायण को जला दिया जाए जो गरीबों में नफरत छुआछूत की बात पैदा करता है, निश्चित रूप से उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान राम की जीवन चरित्र को दर्शाया गया है। कोलभील से लेकर के गीत तक को भगवान ने अपने हृदय से लगाया है। सेवेरी के यहाँ जाके भगवान ने निवास किया है, भोजन ग्रहण किया है और केवट के साथ भगवान ने मित्रता की है। हमें लगता है रामचरितमानस जैसा समाज को एक करने वाला और कोई ग्रंथ नहीं है। जिस तरीके की टिप्पणी उन्होंने किया है, हम सरकार से कहते हैं उनको बर्खास्त करना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए। ऐसी भाषा बोल करके देश के करोड़ों आस्थावान लोगों का अपमान करने का जो तरीका नेताओं का बनता जा रहा है, यह बहुत ही लज्जास्पद है। पूरा समाज, पूरा देश इसकी निंदा करता है। व्यक्तिगत रूप से मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार के खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए, क्योंकि यह हम सबकी आस्था, श्रद्धा और विश्वास का विषय है। समाज को बांटने के लिए, समाज को तोड़ने के लिए, समाज को अलग करने के लिए और जातीय जहर फैलाने का जो दोष शिक्षा मंत्री ने किया है, वो कहीं उसके लिए वो दोषी हैं। उन्होंने हर जाति, हर वर्ग के लोगों की भावनाओं को हताहत किया है। राम को मानने वाले केवट भी हैं, भिलनी भी हैं, कोलभील भी हैं, सवर्ण भी हैं, हर जाति के लोग हैं। उन्होंने राम भक्तों का अपमान किया है, राष्ट्रभक्तों का अपमान किया, जो कतई बर्दाश्त किया नहीं जा सकता है। हम सब इसकी निंदा करते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं।